बात एमपी सरकार की योजना की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश में प्रदेश की महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं। चूल्हे चौके से बाहर निकलकर अब कंपनियों की मालकिन बन रही हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। महिलाएं हो रही आत्मनिर्भर, कुसुम फूलों की खेती से कमा रही लाखों का मुनाफा। ये है पंधाना की सुपर वुमन। खंडवा के जलकुआ गांव में महिलाओं के प्रयास रंग लाए और स्व सहायता समूह का मशहूर कॉस्मेटिक कंपनी इमामी से एमओयू साइन हुआ है। महिलाएं 25 एकड़ में कुसुम फूलों की खेती कर रही हैं और प्रति एकड़ 80,000 का मुनाफा कमा रही हैं। सर हैं श्रीमान सुनील पेंडोले सर, इन्होंने हमें एक मार्गदर्शन दिखाया कि आप लोगों का जो समूह बना है तो इससे आप आयुर्वेदिक खेती कर सकते हो और आयुर्वेदिक की ओर बढ़ सकते हो, जो मानव के स्वास्थ्य के लिए बेहतर होता है। तो इसमें पहले समूह गठन हुआ और समूह गठन से हमने फिर ग्राम संगठन बनाया और ग्राम संगठन में फिर सर ने हमारा मार्गदर्शन किया। फिर 125 एकड़ में अलग अलग गांवों में जाके दीदियों ने अपने ही खुद के खेत में खेती की और कुसुम की खेती की और उसका उत्पादन बहुत अच्छे से हमें प्राप्त हुआ है। से समूह जुड़ने के बाद अलग अलग गांव की दीदियों ने औषधि फसल कुसुम की खेती की है 125 एकड़ में और उसको खुद हमने अपने हाथों से खेती भी की है, उनके फूल भी अपने हाथों से निकाले हैं और उस फूल को 60,000 रुपये क्विंटल के हिसाब से बेचा गया है और कुसुम के बीज भी 3,000 रुपये क्विंटल के हिसाब से बेचे गए हैं। और जो बेड़ा हम गांव में समझते थे कि वेस्टेज चीज़ है, लेकिन उस बेड़े को हम लोगों ने उसका छिलका निकाला है और उसे इमामी कंपनी के साथ टाई अप किया है सर। आजीविका के साथ हमारा सफ़र अब यहाँ तक आया है और इसके साथ ही कृषि नमामि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का रूप ले लिया है जिसमें सारी आजीविका से जुड़ी हुई दीदियाँ शामिल है। जिले की करीब 5,000 महिलाएं 25 एकड़ में कुसुम फूल की खेती कर रही हैं। यह पंधाना जनपद के राजगढ़ काफोड़ा, गुड़ीखेड़ा, लुहार, गोलखेड़ा, जलकुआ, हीरापुर, कुमठी, चारखेड़ा, भीलखेड़ी, छनेरा और जमठी की महिलाएं हैं। खंडवा जिले के लिए गौरव की बात है कि जलकुआ की दीदियां इतना अच्छा काम कर रही हैं और हमारे जिले को प्रदेश में ही नहीं देश में भी अपना नाम दिला रही हैं। आज मुख्यमंत्री जी के विजिट में उन्होंने यहाँ की तारीफ की थी कि एक नया आयाम दे दिया है उन्होंने खेती में, कुसुम की चाय पी उन्होंने और तारीफ भी की। तो अभी इस तरह के बहुत सारे आयाम दीदियाँ कायम कर रही हैं, खुद कंपनियाँ आके टाई अप कर रही हैं, इमामी और डावर के साथ तो है ही, ऐसी दर्जनों कंपनियाँ हैं जिन्होंने टाई अप किया है कंपनी के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साकार किया है, तभी आज प्रदेश की महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं और प्रदेश को नई पहचान दिला रही हैं। प्रदेश की महिलाएं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद दे रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज़।